मेरी, तुम सामान क्यों बांध रही हो? क्योंकि मैं जा रही हूँ। कहाँ? डैड के पास। ये तुम क्या कह रही हो पेरी? कौन से डैड के पास? बस अब बहुत हो क्या, मैं नाज़ली के पीछे गई थी और मैं सब जान गई हूँ। डैड ने पिछले महीने हमसे मिलने की कोशिश की थी और आपने हमसे बात छुपाई, जबकि आप सब जानती थी। मैं जा रही हूँ डैड के पास। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? तुम सब मिलके मुझे पागल करना चाहते हो क्या? मॉम, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ तुम कहाँ मिली उससे? हर्ट करिए। कहाँ मिली तुम? वो समझता है वो मेरी बेटी को मुझसे छीन लेगा तो ऐसा नहीं होगा, समझी तुम? मॉम, बोलो तुम, बताओ मुझे। छोड़े इसे, क्या हो गया आपको? कहाँ देखा तुमने उसे? मॉम प्लीज, मुझे पता है उस शख्स का। तो तुम आ गए सवाश। क्या हुआ अम्मी? बैठो यहाँ, मैं तुमसे कुछ पूछूंगी लेकिन मुझे तुम्हें उनके सही सही जवाब देने होंगे। जल्दी कीजिए, मुझे जल्दी है। तुम्हारे और नाज़ली के बीच में क्या है सवाश? कहाँ हो तुम? आलोक भी जल्दी आ गया है। नहीं बाबा, आप अभी नहीं आ सकते। इस वक्त ये कौन आया है? मेलिसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओहो, मिसेस गुनेश, क्या नाज़ली इधर आई है? जफर, मैंने तुम्हें कहा था कि चले जाओ हमारी जिंदगियों से, तुम्हें हजार बार कहा है मैंने ये। तुमने अपने शौहर की तरह बात करना शुरू कर दी है। चुप रहो तुम, मैंने तुम्हें कई मर्तबा कहा है कि तुम मेरी और मेरी बेटियों से दूर रहो। जफर, तुम अब हमें धोखा नहीं दे सकते। जो तुम और तुम्हारा अमीर जिद्दी शौहर करता है मैं वो नहीं करता। अपने किराए के घर में रहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज है? तुम आज रात को ही ये घर छोड़कर चले जाओगे जफर। तुम हो कौन? हाँ, यहाँ आओ जफर, वहां जाओ जफर। तुमने मुझे आखिर समझ क्या रखा है? चाहती क्या हो तुम? मैं अपनी बेटियों को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम जैसी औरत के साथ मैं अपनी बेटियों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। सुन लिया तुमने? और नाज़ले ने वही कहा जो मैंने उसे कहा। पेरी और सेलन बहुत जल्द मेरे पास आ जाएंगी और तुम ये होने से नहीं रोक सकती। मुझे जो चाहिए होता है मैं उसके लिए दुनिया तबाह कर सकता हूँ। मेरा नाम जफर है। लगता है तुम मेरी जिद भूल गई हो। क्यों मिसेस गुनेश? गुनेश ही कहना तुम्हें, या मिसेस तुर्गन? जफर!
क्या कर दिया? जफर ये मैंने क्या कर दिया? जफर, जफर तुम ठीक हो? जफर आंखें खोलो, जफर आंखें खोलो अपनी, जफर 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 ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया जफर? ओह माय गॉड जफर, जफर अपनी आंखें खुली रखो, जफर अपनी आंखें खुली रखो जफर। जफर जफर उठो, मुझे मुझे जफर उठे रहो तुम, मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। हेलो हेलो, एक जख्मी है यहाँ पर, प्लीज जल्दी आ जाए प्लीज। हेलो हेलो प्लीज, यहाँ पर एक जख्मी है, आप जल्दी यहाँ पर एम्बुलेंस भेज दे प्लीज कुछ। स्पोर्ट में क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब देना पसंद करोगे? मैं नासिर से प्यार करता हूं, मैं नहीं जानता कब और किसने आपको ये बात बताई, पर हाँ। क्या मतलब है इस बात का? मैं उसे खो चुका हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो तुम अब उसके साथ नहीं मगर उसे प्यार करते हो, यही है ना सवाश? अम्मी जैसे मैंने कहा कि सवाश तुम जानते भी हो उसका क्या नतीजा निकल सकता है। अम्मी सोचो, अगर इसका हालूक और गुनेश को पता चल गया तो क्या होगा? आप भी मुझे समझ नहीं पाई, हालूक या कोई भी क्या कहे मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानती है ना मैं कितनी मुश्किलों से दो चार हूं, रोज मरता हूं रोज जीता हूं, कोई किसी शख्स से मोहब्बत कर सकता है जो रोज जीता और मरता हो? लेकिन नाज लेने की बहुत प्यार करती है मुझसे, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, शायद वो मुझे कभी माफ भी नहीं करेगी, लेकिन कोई और क्या कहे, हलूक या मिसेस गणेश जो भी कहे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी आप? समझी कि नहीं? ये तुम इससे क्या बातें कर रही हो? मेरा सवाश के बारे में बात कर रही हो कि चुड़ैल? इसके अलावा क्या है इसके पास करने को? तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। मुझे नहीं मालूम, मैं बस यहाँ से जा रही थी। मैंने कहा मुझे आने दो हालूक। सर लेट मी गेस, मैं बताता हूँ तुम यहाँ क्या करने आई हो। मुझे छोड़ दो हालूक। ये देखो मैंने क्या ढूंढा।
मैंने कहा मुझे जाने दो। ये मेरी अमानत है मेलिसा। पे क्या कह रही थी? मैंने कहा छोड़ो मुझे। मेलिसा, तुम हलूक से क्या बातें कह रही थी? मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे सवाश के बारे में हलूक को बता रही थी। पागल मत बनो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर तुम उस बोट पर हलूक के साथ क्या कह रही थी? हाँ गुनेश। हलूक, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने उसे मार दिया हलूक। वो मेरे सामने बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ है। कहा, किसको मार दिया? कहा हो तुम? वो मुझे कह रहा था मेरी बेटियों को मुझसे ले लेगा। गुनेश, गुनेश, मेरी बात का जवाब दो, तुम कहा हो? हलूक वो मुझ पे चीख रहा था। गुनेश, क्या किया तुमने? गुनेश, मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे पास फौरन आ रहा हूँ। जफर के घर मैं पुलिस को बुला रही हूँ। तुम किसी को नहीं बुला रही, बात ध्यान से सुनो गुनेश, किसी चीज को हाथ मत लगाना, मैं बस पहुँच रहा हूँ। तुमने ये क्यों किया? पैरी, तुम कहाँ जा रही थी? मैं हैरान हूँ। ये सब नासली की वजह से हुआ है, उसने तुम्हारा दिमाग खराब किया। ये उस बारे में नहीं है। तुम्हारी वजह से मॉम उस आदमी के घर गई। वो मेरे डैड हैं, मुझे पूरा हक है उनसे मिलने का। कौन सबब? तुम नहीं जानती उसको। मुझे ये बताओ, वो इतने महीनों से हमसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, वो हमसे प्यार नहीं करते तो वो ऐसा क्यों करेंगे? बेरी, नासली मत बनो, तुम इस सलसले में फंस जाओगी। उफ, क्या करने लगा अभी आदमी, कहाँ जाने लगा अभी ये? हलूक, तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम तो देखोगे सवाश। हेलो सबाश, तुम मत आओ, घर पर रहो। क्या मतलब है तुम्हारा? हलूक बोट से जा चुका है। हेलो नासले, हेलो को रोक नहीं पाया। कुछ हुआ है क्या? मुझे चिढ़ होती है जब तुम सब जान लेते हो। क्या हुआ बताओ मुझे। इस बार पैरी ने जाने की कोशिश की। तुम्हारे डैड के पास? अम्मी आप इसे बाहर हो गई और उसके घर चली गई उससे बात करने। अली, मुझे बुरा लग रहा है, वो शख्स तो जैसे हर चीज पे हावी हो रहा है। मुझे लगता है कुछ बुरा होगा, पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। मत करो, यहाँ मैं अपने दिमाग से वो सब नहीं निकाल सकती जो उसने मेरी माँ के साथ किया, क्योंकि वो तमाम चीजें बहुत तकलीफ दे और कभी ना भूलने वाली है। मैं नहीं चाहती नास्ते को पता चले, क्या उसे बताना चाहिए? नहीं, ये सब पता चलने के बाद जो तुम्हारी हालत हुई, क्या तुम नाजली को भी उसी दुख और तकलीफ में देखना चाहती हो? मैं ऐसा नहीं चाहती। तुमने कुछ गलत नहीं किया,
जो कुछ किया वो तुम्हारे अख्तियार में नहीं था और वो अहम भी नहीं है। कोई आ गया है? मैं जानता हूं। सर आप आगे नहीं जा सकते, मुझे अंदर जाना है। प्लीज सर, मैं हालूक हूँ, रिलैक्स हो जाइए प्लीज। अंदर है मेरी बीबी। लड़कियों का ख्याल रखना। बिल्कुल। मुझे माफ कर देना नाज़ले। तुम्हें बचाने, तुम कुछ नहीं बोलोगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। गुनेश मैं आ रहा हूं, गुनेश बिल्कुल फिक्र मत करो। पापा प्लीज बताएं मेरे बाबा ठीक है ना? ठीक है ना मेरे बाबा? प्लीज मुझे कुछ बताएं मेरे बाबा ठीक है ना? नाज़ले सब ठीक हो जाएगा। छोड़ दो मुझे, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इस सब के जिम्मेदार तुम हो, तुम घटिया इंसान की वजह से हुआ है। नाज़ले, नाज़ले किधर जा रही हो? नाज़ले मेरी बात सुनो। नाज़ले सेलिन और पैरी कहाँ हैं? उनके आने पर मैं बताता हूँ। क्या कुछ बुरा हुआ है? लड़कियों को आने दो, थोड़ा इंतजार कर लो। हालूक कुछ तो बता दो, हमें हौसला मत करो, हुआ क्या है? मैं लड़कियों को बुलाता हूँ। क्या हुआ डैड? क्या कुछ इतना बुरा है? कुछ हुआ है क्या? गुनेश कहाँ है? गुनेश के साथ कुछ हुआ है? क्या हुआ मॉम के साथ? आपी, एक दफा इधर आके बैठ जाओ, मैं बात करता हूँ तुम लोगों से। मुझे नहीं बैठना, आप मुझे बात बताएं। मैंने कहा मैं बताता हूँ, तुमसे बैठ जाओ।
gözlerle insanlara dokunsam ben görünmez miyim? Kendi hikayemi yazmaya çalışsam ben yenilmez miyim? Kapat gözlerini. Seni görenler de olsun. फायदा नहीं, बहन तुम इनके साथ रहो। मैंने वकील को बुलाया है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इस पर जाके क्या करोगे? सुबह जल्दी निकल जाना अगर बेहतर हो। नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ सकता इस तरह। मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। अंकल, नाज़ले कहाँ है? नाज़ले अपने बाप के साथ है अस्पताल में। ओके, मैं जाके देखता हूँ। सबाश, मेरे बच्चे प्लीज। क्या हो गया, उसको जाने दो। जाओ नाज़ले को जाकर फौरन घर ले आओ। मैं आ रहा हूँ, तुम ध्यान रखो। मैं आता हूँ। मैं भी साथ आती हूँ। मैंने वादा किया है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मुझे भी साथ लेके जाओ।
सेलिन, इस वक्त तुम्हारे जाने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम चली भी जाती हो तो इस वक्त तुम देख नहीं पाओगी। अली ठीक कह रहा है, इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारी माँ के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके पास तो होंगी ना। चुप कर जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी माँ को वापस लेकर ही आऊंगा। परेशान मत हो सिलिन, सब सब ठीक हो जाएगा। इन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है, वो वापस आएंगे। प्लीज खुदा यार प्लीज उनको कुछ ना हो, प्लीज। नासले सवाश। नासले उनको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सवाश। उनको कुछ नहीं होगा नासले, कुछ नहीं होगा। वो ठीक हो जाएंगे ना। कुछ नहीं होगा। मैं बहुत डर गई। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस कर, परेशान मत हो। ये सब मेरी गलती है ना। पागल मत बनो, बस कर। अगर मैं वहां ना जाती तो अम्मी के साथ ये ना होता। चुप हो जा, उनके पास बहुत सी वजह थी उस शख्स पर गुस्सा होने के लिए। अगर तुम यूं सोचोगी तो माँ को भी तकलीफ होगी। उन्हें उदास मत करना, ओके? परेशान मत हो, चुप हो जाओ। अच्छी बहन हो। किसी को तो करना था, ये बहुत छोटी है। तुम भी अभी बहुत छोटी हो, बस समझती खुद को बड़ा हो। कोशिश करेंगे कि वो जेल ना जाए, तुम परेशान मत हो। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी बीवी से मिलने दें। ये मुमकिन नहीं है सर, ये रूल्स के खिलाफ है। कौन से रूल्स, किसने बनाए हैं ये रूल्स? ये मुमकिन नहीं है। क्या चल रहा है यहाँ, क्या चाहते हैं ये सर? कमिश्नर साहब, ये अपनी वाइफ से मिलना चाहते हैं जो इस टाइम जेल में है। ये कैसे पॉसिबल है, प्लीज? क्या कह रहे हैं? मेरा नाम हल्लूक है, मैं एक मोतबर बिजनेसमैन हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों मुमकिन नहीं है? मुझे बताएं इस बात की, जवाब दें मुझे। सर प्लीज, ये पॉसिबल नहीं है। सर मैं इनका वकील हूँ। मुझे गुनेश से वारंट मिला। इन्हें कुछ कहने का फायदा नहीं, मैं देख लूंगा। मिस्टर हल्लूक, मैं अटॉर्नी जनरल से बात करूंगा। आ, अब मुझे मिस गुनेश से मिलने जाना है, आप यहाँ वेट करें।
बीवी से मेरी मुलाकात करवाओ, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, समझ लो इस बात को, मैं यहाँ बैठा हूँ। आलोक, सुबह से पहले ये मुमकिन नहीं है। मैं आपकी छोटी सी मीटिंग रखवा दूंगा उनकी पेशी से पहले। ये सुबह से पहले नहीं हो सकता, तो फिर ठीक है, मैं सुबह तक यहाँ बैठ कर इंतजार करूंगा। रहो। क्या तुम्हारे पापा ने फोन किया? वो तुम्हारी मॉम के साथ वकील के पास गए हैं। मैं भी आऊंगी। मुझे पता है, हम साथ जाएंगे। इसे सोने दो, ये पूरी रात रोती रही है। मैं तैयार होके आती हूँ। ठीक है। डर लग रहा है हालूक। वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा गणेश। क्या लड़कियों को पता है? बस करो, इस वक्त तुम ये बातें नहीं सोच सकती। मिस्टर हालूक, हमारे पास वक्त नहीं है, बात कर सकते हैं? आप मुझे सब डिटेल में बताएं, कुछ भी छुपाए बगैर। मुझे यकीन है आपको हिरासत में लिए बगैर बेल मिल जाएगी। मैं अपने बाबा के बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे अपने बाबा के बारे में पता करना है। कल रात उनका ऑपरेशन हुआ है। जफर तुर्कन नाम है उनका। उनको ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में ले गए हैं। वो कैसे हैं? आपको डॉक्टर ही बताएंगे। आईसीयू किस तरफ है? लेफ्ट कॉरिडोर। सुनिए, मेरे बाबा जफर तुर्कन अंदर हैं, मैं उनको मिल सकती हूँ। वो बेहोश है अभी हम कुछ कह नहीं सकते। क्या ये कोई इतना बड़ा राज है कि आप मुझे नहीं बता रहे? मुझे सिर्फ ये पता करना है कि वो ठीक है या नहीं। नाज़नीन, अपने आप पर काबू रखो। मैं नहीं कर सकती, मुझे उनसे मिलना है। अभी नहीं। ठीक है, तो फिर मैं यही इंतजार करती हूँ। तुम्हारी अम्मी के पास चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब नहीं जाओगी? मैं उनको देखना भी नहीं चाहती। तुम उनको मिलना नहीं चाहती? मेरे ख्याल में तुम सुन चुकी हो जो मैंने कहा है। हाँ, मैंने सुना, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। माँ ने मेरे बाप को इस हालत पर पहुंचाया, तुम चाहते हो मैं जाकर उनसे मिलूं, उनके गले लग जाऊं? क्या हमें पता है वहां क्या हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन नतीजा तुम्हारे सामने है। हो सकता है वो तुम्हारी अम्मी की तरफ आए हो और उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की हो। वो तुम्हारी माँ है। बहुत हो गया, मत उनकी इतनी तरफदारी करो। चलो, मैं ये बता सकता हूँ कि क्या हुआ था। आपको वेकेशन कोर्ट में हाजिर होना होगा। मुझे यकीन है आपको हिरासत में लिए बगैर बेल मिल जाएगी।
क्योंकि आपने खुद अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। लेकिन अगर आपको हिरासत में लेने के लिए वारंट हुआ तो हम इस पर एक्शन लेंगे। हिरासत में लेने से पहले ही हम रिहा करवा लेंगे। मिस्टर हालूक, अगर इनको हिरासत में लिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं रहेंगे। अगर जफर इतराज नहीं करता तो आप आजाद हैं। और उसने अगर कर दिया? वो नहीं करेगा। मैं जाकर उससे बात करूंगा, वो नहीं करेगा। अगर उसने कर दिया तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। यहाँ देखो मेरी तरफ गणेश, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने कहा वो नहीं करेगा। उसने कहा था वो लड़कियों को मुझसे ले लेगा, उसका यही तो मकसद है। नहीं करेगा वो। मेरा मतलब जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा। तुम्हें तो बात करो मुझ पे। मिस्टर हालूक, हमें चलना होगा। मेरी सबसे कीमती तुम, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता। मेरी माँ से मिले। सेलिन, वो ठीक है बिल्कुल। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज इन्हें कहे ना। क्या आप इनको मिलवा सकते हैं? ओके, मैं बात करता हूँ। ठीक। समझ नहीं आई सिलिन, मुझे पता है क्या हुआ था। किस चीज की वजह? तुम क्या बात कर रही हो? बोलो कुछ। मैंने आपको इस तरह कभी नहीं देखा। कैसे? डरे हुए। शायद तुम मुझे जानते नहीं हो अली। मैं क्या करूं, मेरे एक ही डैड हैं। आपके अलावा मैं किसके पास जाऊं? तुम जानते हो तुम्हारा बाप इस वक्त यहां से बहुत दूर जाना चाहता है और जाके रोना चाहता है, जहां सुकून मिल सके, दिली सुकून। बस वो जगह ढूंढने को मिलती नहीं। सब ठीक हो जाएगा डैड, आप परेशान ना हो, रिलैक्स रहे। शुक्रिया। मैं आपके साथ हूं मां।
मैं सबको बताऊंगी कि आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ। बस सेलिन, किसी को कुछ मत कहना। सेलिन प्लीज, तुम बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझती इन बातों को। मैं नाज़ली को बताऊंगी, उसे ही सब पता होना चाहिए। सेलिन बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारे और मेरे बीच बात रहेगी, मेरे मर जाने तक किसी को नहीं पता लगेगा। सेलिन मुझसे वादा करो, सेलिन तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी। ठीक है, आप परेशान मत हो। मैडम, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अच्छा, चलो तुम। सेलिन, क्या हुआ मुझे बताओ, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? मुझे बताओ, ये सब ठीक हो जाएगा? हो जाएगा सब ठीक। नाज़ली कहाँ है? सवाज ने कुछ देर पहले कॉल की थी मुझे। नाज़ली कहाँ है? रिलैक्स रहो तुम। कहाँ है नाज़ली? हॉस्पिटल में है अपने डैड के साथ। मुझे अस्पताल लेके जाओ। ये बहुत बेकार आइडिया है। तुम भी मेरा साथ ना दो फिर मैं खुद चली जाऊंगी। रुको,